जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ सर, तो मैं हुकम जब का परसों आया था यहाँ पे, तो मुझे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि माउंट आबू की जड़ों में मतलब ये फार्म हाउस और काफ़ी डेवलप किया हुआ है इसको। तो मुझे थोड़ा इस फार्म हाउस के बारे में जानना है और आपके बारे में काफ़ी सुना है, आप राजनीति में भी हो, तो सबसे पहले तो आप अपना राजनीति के बारे में बताइए। मैं यहाँ सहकारी समिति में, यहाँ अनादरा पास में लगता है सहकारी समिति है, अच्छा बैंक है, उसमें कंटिन्यू 17 साल से चेयरमैन हूँ वहाँ पे। होगम दो बार तो निर्विरोध हुआ, अच्छा। और तीसरी बार वोटों में फर्स्ट लीड में जीत के मैं जनप्रतिनिधि के तौर पे अध्यक्ष हूँ, मैं चेयरमैन होगम, और कांग्रेस कमेटी का DCC सचिव हूँ। तो पास में भी आप सरपंच वगैरह, आपने मतलब आप सरपंच भी रह चुके? नहीं, मैं सरपंच, मेरे भाविशाह रहे हुए सरपंच। अच्छा अच्छा। और वैसे आप, आपने बताया था कि आप ठिकाना बगड़ी से हो? हाँ, बगड़ी से होगम। तो मतलब जेताओ थे दादा? मेरे परदादा से यहाँ पधारे थे हुकुम। अच्छा, करीबन 94 क्या नाम था? 40 में भगत सिंह जी। भगत सिंह जी आपके परदादा? भगत सिंह, भगत सिंह जी। अच्छा, वो पधारे थे हुकुम। और फिर डेवलप ये सभी उन्होंने किया था? नहीं, उन्होंने आके यहाँ लीड जमीन रखी, पहले 50 बीघा था, यहाँ थी 51 बीघा, और उस फार्म पे 75 बीघा थी। अच्छा, मेरे बड़े बाबा साहब रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 125 बीघा मैंने ये बाद में खरीदी जमीन, आपने खरीदी हुकम। मेरे फादर साहब की डेथ, मेरी 22-23 साल की एज थी जब फादर साहब शांत हो गए थे हुकम। फिर मैंने ये पहले मकान बना हुआ था, कच्चा मकान था, उसके बाद में ये सब मैंने डेवलप किया, मैंने मेरे फादर साहब ने। अच्छा, हुकम। तो आपको मतलब ये फार्म हाउस तो मैंने बहुत सारे देखे हुकुम, लेकिन ये डेवलपमेंट जो मैंने देखा, जैसे यहाँ पे जो नॉर्मली हम गांव में फोर्ट में या जाते हैं ना बाग में या जो गांव में होते हैं, ये चीज़ मेरे को पहले कभी मतलब गांव में बहुत देखी है मैंने, लेकिन ये मतलब माउंट आबू की जड़ों में ये मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। तो आपने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया इसको। हुकुम। और इस फार्म हाउस के बारे में और बताइए हुकुम थोड़ा सा। ये फार्म हाउस 225 बीघा एक चक में रहे हैं यहाँ। अच्छा, 225 बीघा। हुकुम। 225 बीघा, इसमें 3 तो ट्यूबवेल है, अच्छा 3 ओपन वेल है। अच्छा अच्छा। हुकम, इसमें से 4 है, 2 ट्यूबवेल और 2 ओपन वेल में पानी एकदम फुल है। हुकम, सभी में मोटर लगी हुई है। और ज्यादा खेती किसकी होती है यहाँ पे? यहाँ पे हुकम एक जीरा छोड़ के सभी खेती होती है। जीरा नहीं होती हुकम, खादा जीरा वो छोड़ के कोई भी, क्योंकि माउंट आबू के हिसाब से, माउंट आबू यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर ही पड़ता है, माउंट आबू के हिसाब से और ज्यादा पड़ता है यहाँ पे हुकम, इस हिसाब से जीरे की फसल खराब हो जाती है। अच्छा हुकम। और आपका नाम बना? कल्याण सिंह जतावत। अच्छा अच्छा, आपके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए। मैंने सर बीए किया सिरोही से। अच्छा अच्छा। और अब LLB कंप्लीट हुआ मेरा। अच्छा अच्छा। तो फिर आप भी इस फार्म हाउस को मतलब डेवलप करने में हिस्सेदारी कर रहे हैं, मतलब जैसे मेहनत कर रहे हैं, आप भी करते हैं मेहनत यहाँ पे कि फार्म हाउस में और चीजें क्या इंप्रूव होनी चाहिए, आपका सहयोग है? आप बिल्कुल है, आइडिया मैं देता रहता हूँ। अच्छा, आइडिया आपका होता है, क्रिएटिविटी आपकी होती है। ठीक है सर। इसने भी BN यूनिवर्सिटी से उदयपुर से LLB की है, अभी वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है उदयपुर, और राइफल शूटिंग भी की है। राइफल शूटिंग भी कर रहा है। तो फार्म हाउस पे क्या क्या हुकम, जैसे डॉगी भी है, क्या क्या है फार्म हाउस पे? डक्स है। डक्स, और कितनी डक्स है? डक्स 5। 5। और है मुर्गे वगैरह है। अच्छा, मुर्गे भी है, कछुए भी रखे हैं, कछुए भी है, घोड़े भी है। घोड़े भी है। कितने घोड़े? एक ही। कौन सी नस्ल का? काठियावाड़ी। अच्छा, और तो फिर आपको डक्स कार कैसे है? मतलब मैं शुरू से मतलब यूं अकेला ही रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा हुकम। और मेरे को प्रकृति से जुड़ा हुआ और ये घोड़े और एनिमल्स वगैरह मेरे को बहुत पसंद है शुरू से ही। हुकम हुकम। तो मतलब फिर तो आपने डक्स भी रखे हैं? डक्स भी रखे, सारे रखे मैंने। अच्छा, डक्स भी है, मुर्गे भी है, 3 डॉगी है, मैं आपको दिखाऊंगा, 4 डॉगी है, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और फैमिली भी आपकी यहीं रहती है? यहीं हुकुम, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब कभी कभी ऐसा आपको वो फील होता है कभी कि जैसे ये मतलब जैसे माउंट आबू की जड़ों में है, एकदम मतलब अंदर आया हुआ है शहर से, शहरी जीवन से आप बिल्कुल अभी अलग, मतलब बहुत दूर है शहरी जीवन यहाँ से, तो आपको क्या कभी कभी वो फील होता है शहरी जीवन? ऐसा फील होने जैसा है ही नहीं, ऐसा प्रकृति का ऐसा है, कुदरती बना हुआ है, शहरी से भी अच्छा यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, सुकून है, शांति है, शांति है। अपने आपको कुछ किस्मत मांगते हैं जो मतलब आपको ये चीज मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आज के टाइम में दोस्तों पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि आपको मतलब माउंट आबू की जड़ों में आपको 225 बीघा जमीन आप खुद खरीद नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है सर अभी, मतलब अभी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हो गया। मतलब पैसा है लेकिन वो जगह भी तो होनी चाहिए ना, जगह एक चक्कर नहीं मिलती हुकुम, एक तो बात ये, जनरल कास्ट की जमीन नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल हुकुम। और पानी वाला एरिया नहीं मिलता है।
हुक्म। और ये माउंट की देवी देवता वास करते हैं माउंट की पहाड़ियों में, कहने वाले बुजुर्गों ने कहा किसी के नसीब में नहीं है। हुक्म तो आप बहुत अच्छी बात है। हुक्म और अपना फैमिली यहाँ काश्तकार है मेरे पास में। हुक्म तो हुक्म आप बता रहे थे कि आप बगड़ी ठिकाना से, और तो आपने फिर मतलब आपके दादू से नहीं, मतलब आप काफी कितने टाइम से बगड़ी में हैं? करीबन 1940 में मेरे परदादा से यहाँ पधारे हुक्म। अच्छा अच्छा हुक्म, इसके बाद में यही सेटल हो गए हुक्म। अच्छा ये 1940 के बाद में आप यही बगड़ी से? अभी आप बगड़ी नहीं गए हुक्म ऐसे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बगड़ी ठिकाने से हैं। बगड़ी ठिकाना पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता ना, पाली डिस्ट्रिक्ट में, पाली सोजत सिटी के पास में है, पाली पाली जिले के अंदर। और 1940 के बाद में आपके परदादा से यही आ गए थे और 225 बीघा उन्होंने जमीन खरीदी और मतलब डेवलपमेंट किया यहाँ पे। और पिछले कम से कम 70-80 सालों से आप तीन पीढ़ी यही रह रही है। और बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पे, मतलब बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है कि आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो फार्म हाउस होता है ना वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैं ये मुझे एक चीज और जाननी है, यहाँ के लोकेशन के बारे में आप बताइए। लोकेशन यहाँ हाईवे नेशनल स्टेट हाईवे है, यहाँ के हुक्म सिरोही से जाता है गुजरात बॉर्डर। तो यहाँ से कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर गुलाबगंज पड़ता है, गुलाबगंज से 5 किलोमीटर। अच्छा, ये जो अपना इधर से अपना 5 किलोमीटर है हाईवे के लिए, और इधर से माउंट आबू जाना ऊपर तो माउंट आबू जा सकते हैं, ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 8-9 के समथिंग होगा। 8-9 आपने किया कभी यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, पैदल भी गया? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्ट आता है। वैसे मैंने कल जब मैंने माउंट आबू शूट कर रहा था मैं, तो हनीमून पॉइंट पे गया था मैं। हनीमून पॉइंट वो इस साइड में जाता है, इस साइड में पधारे होंगे आप तो अनादरा पॉइंट आता है। अनादरा पॉइंट लिखा होगा, नकी लेक से थोड़े आधा किलोमीटर आगे। बिल्कुल बिल्कुल, नकी लेक से आप देखते हो तो ये पूरा एरिया यहाँ से मंडार तक दिखेगा। भैरवतार का मंदिर है वो भी दिखता है यहाँ से। भैरवतार का मंदिर मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर ही है। होगा वहाँ से, यदि मैंने उस टाइम गौर नहीं किया तो बाकी अनादर पॉइंट से आप उसको दूरबीन से या देखो तो ये आपको फार्म हाउस बिल्कुल बिल्कुल एकदम दिखता है। और बना फिर आप बता रहे थे कि आप एजुकेशन अभी आपकी उदयपुर से चल रही है, तो फिर अभी मतलब फिर कितना टाइम है यहाँ फार्म हाउस पे रहते हो और कितना टाइम आप उदयपुर में रहते हो? मतलब अधिकतर उदयपुर रहता है, 20 दिन उदयपुर, 10 दिन फार्म हाउस पे। अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, धन्यवाद आपको। आप बता रहे इसके लिए धन्यवाद। टोटल कितनी है? 5 5 5 लड़के।
फिर इनको आप क्या खाने पीने में इनको डेली क्या डोज सही होता क्या वेजिटेरियन ही होती है। अच्छा और ये घास खाती है और ये दाना वगैरह खाती है। घास और दाना होगा। अच्छा ही तो मुर्गा Thank you.
ये केसर आम है? अच्छा अच्छा, दो बीघे में सब केसर आम है? केसर आम है, पूरे अच्छा अच्छा ये हुकुम केसर आम है। केसर आम, केसर हुकुम। अच्छा अच्छा हुकुम। ये दो बीघों में लगे हुए गार्डन है अपने, दो बीघे में। हाँ हाँ, केसर और ये चीकू है, सभी लगी हुई है। हाँ, चीकू है, नींबू है, आंवले हैं, हुकुम, नारियल है। तो फिर ये हुक्म जो जैसे चीकू वगैरह लगे, तो ये फिर घर के लिए है या फिर इनको सेल आउट भी करते हो? घर के लिए, और क्या ये पक्षी वगैरह यहाँ पे बहुत है, यहाँ के माउंट की पहाड़ी एशिया से पक्षी जानवर खूब आते हैं हुक्म। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी हो जाता है और घर के लिए भी हो जाते हैं। ठीक ठीक, स्टार्ट से मेरे को और मेरे सन को इसका पशु पक्षियों का शौक। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया देख के। मतलब ये देखिए दोस्तों, सामने ही माउंट आबू ऊपर, यहाँ से 2 किलोमीटर बता रहा हूँ। कितना? ये पहाड़ी तो 1 किलोमीटर ही है। पहाड़ी तो 1 किलोमीटर ही, चढ़ पगडंडी है, पगडंडी ने वहाँ से है रास्ता, पता 2 घंटे का रास्ता यहाँ से ऊपर। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेचर के एकदम करीब है और सब कुछ है यहाँ पे।
बता रहा हूँ 500 मीटर यहाँ से अबू की अबू पहाड़ी माउंट अबू 500 मीटर है ना यहाँ से। अच्छा अच्छा ये हुकुम गुरु शिखर दिख रहा है ऊपर, जो सामने दिख रहा है जो लाइट जैसा दिख रहा है कुछ। अच्छा। यहाँ पे क्या है, रडार है आर्मी का। अच्छा अच्छा हुकुम।